डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने शुरू की दो वीडियोस में पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर इक्वल कोफिशिएंट मेथड पढ़ा और उसके मेथड्स अच्छी तरह समझे। अब हम इन दोनों मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स होगी। और इसमें एक सबसे अहम तरीन बात कि आप सब्स्टिट्यूशन या इक्वल कोफिशिएंट मेथड में से कोई सा एक चूज कर सकते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, वरना वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश में बने हुए सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए शुरू करते। पहला सवाल, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 8, फाइंड द नंबर्स। याद रहे कि सम का मतलब प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। अब आपको दो नंबर्स पता करने जो आपको मालूम नहीं है। मैथ्स में खास बात यह है कि अगर आपको कोई नंबर वगैरह मालूम ना हो तो आप उसको एक्स वाई जेड वगैरह ले सकते हैं। अब क्योंकि हम दो नंबर की बात कर रहे हैं, वो दो नंबर हमें मालूम करने हैं। मैं नंबर ले लेता हूं, जब पता नंबर मुझे मालूम तो है नहीं, तो मैं एक को एक्स ले लूंगा, एक को वाई ले लूंगा। सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई इक्वल टू 9, दोनों का सम जो है वो 9 है, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। मैं इसका नाम इक्वेशन a रख देता हूं, जैसा कि पहले मैं रखते हुए आया हूं। फिर आगे आ रहा था डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दोनों के दरमियान फर्क। फर्क में याद रखिएगा, आम जिंदगी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है फर्क, उसका मतलब होता है डिफरेंस, उसमें हमेशा माइनस साइन आता है। तो ये देखें x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब ये दो इक्वेशन हो गए। इसको बिल्कुल पुराने तरीकों की तरह सॉल्व करेंगे, दोनों को ब्रैकेट में लेंगे और जिस अल्फाबेट के साथ कुछ नहीं है वहां वन वन लगा देंगे। ब्रैकेट में लेने के बाद ये वाला वन जो ऊपर लिखा है वो नीचे बाहर आएगा और नीचे वाला जो है वो ऊपर बाहर आएगा। याद रहे हम ये इक्वल कोएफिशिएंट मेथड सॉल्व कर रहे हैं। अब ब्रैकेट खुलेगा और वन जो है वो मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट को, जिससे ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 9। अब वन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वन मैंने यहां से हटा दिया। इस तरह वन जब ये सारे ब्रैकेट खुलेगा तो बन जाएगा x माइनस 5। बिल्कुल इक्वल कोएफिशिएंट मेथड की तरह नीचे के जो अल्फाबेट्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस एंड प्लस से माइनस। एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 1y 1y, एक्चुअली ये हो जाएगा 2y, 9 माइनस 8 1, फिर ये 2y से मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और इसको 0.5 बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाव है, इसलिए मैं इसको डेसिमल में बना के किया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन ए में y की जगह रख देते हैं, 0.5 0.5 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 0.5 x इक्वल टू 8.5। ये था इक्वल कोफिशिएंट मेथड जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया। ये वर्ड प्रॉब्लम बनाने का तरीका होता है। वर्ड प्रॉब्लम के लिए जैसे मैंने कहा, इंग्लिश का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वाइस द सम ऑफ टू नंबर्स, द रिजल्ट इज 6, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स ओनली फर्स्ट नंबर एंड अ सेकंड नंबर बाय 4, द रिजल्ट इज 17, फाइंड द नंबर्स। बहुत गौर से सुनिएगा कि इसमें क्या होगा। ट्वाइस द सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब होता है कि पहले उन दो नंबरों को मैं प्लस करूंगा, पहले दो नंबरों को प्लस किया जाएगा और उनको मैं ब्रैकेट में ले लूंगा। क्यों ब्रैकेट में लूंगा, वो कह रहा है कि पहले इसको सम करें। याद रखिए लिखा हुआ है ट्वाइस द सम ऑफ टू नंबर्स, पहले इनको सम करें फिर इनको ट्वाइस कर दीजिए। ट्वाइस के साथ एक्स भी ट्वाइस होगा और वाई भी ट्वाइस होगा, इज इक्वल टू 6 आ गया। मैंने ब्रैकेट खोला, उसका नाम दे दिया इक्वेशन ए, जैसा कि हम देते में आए, इक्वल टू उल्टे हाथ पे पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, सीधा आप पे कांस्टेंट आएगा। अगली कंडीशन वो कहता है कि पहले नंबर को ट्वाइस करें, कर दिया, फिर उनका डिफरेंस लें, उसका डिफरेंस लेना है वाई से। वो कह रहे पहले नंबर को ट्वाइस करें फिर वाई से उसका डिफरेंस लें और उस पूरे को 4 से डिवाइड कर दें। रिपीट करता हूं, वो कह रहे कि ट्वाइस करें सिर्फ एक्स को और डिफरेंस लें उसका वाई से और उस पूरे को 4 से डिवाइड कर दें। आंसर आ जाएगा 17। अब इसको इक्वेशन में लाने के लिए मैं 4 को क्रॉस कर दूंगा, ये 4 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 68। तो ये हो गई इक्वेशन बी। अब मैं इक्वेशन ए को इस तरह लिखूं, इक्वेशन बी को लिखूंगा और बाकी आप सारा मेथड जानते हैं कि मैं अगर इक्वल कोएफिशिएंट मेथड यूज करूं तो इसके गिर ब्रैकेट लगा दूंगा, फिर ये 2 नीचे आएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर ब्रैकेट खुलेगा, नीचे का साइन चेंज होगा। यहां पे मैं इक्वल कोएफिशिएंट मेथड की बात कर रहा हूं, इसलिए मेथड मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है और ये कॉपी पे आपको दोनों मेथड वीडियो के सॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे चलते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज 3 आ रही है, आइए देखते हैं उसमें क्या सवाल आते हैं।
solve the questions of video and exercise 3 in the copy. ये जो मैंने वीडियो पे सवालात आपको अभी समझाए हैं ये भी कॉपी पे करने, और एक्सरसाइज 3 जो आगे आ रही है वो भी आपको कॉपी पे करनी है। ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फौरी तौर पे हमसे बात कीजिएगा हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपको फिर उसमें थोड़ी गाइडलाइन देंगे कि सवाल आप कैसे होंगे। ये सवाल आप भी पूरे एक्सरसाइज 3 का हिस्सा है और जो आपकी कॉपी पे होने चाहिए। रिमेम्बर वन थिंग, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि ये सवाल आसानी से समझे जा सके। थोड़ी सी इंग्लिश और उसके टेंसेस समझना बहुत जरूरी होते हैं ताकि बड़ी आसानी से ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ सके। और वही बात कि क्वेश्चन नंबर 1 में वीडियो को 2-3 मरतबा रोक रोक के देखिएगा कि मैंने बताया क्या है, इस तरह वीडियो 2 को भी। वही बात जो मैं घुमा फिर आके कहता हूँ, इंडियन मूवीज की तरह मत देखिएगा वीडियो को या स्टार प्लस के ड्रामों की तरह, बल्कि जो है वो आप इसको ब्रेक कर करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब सीखना होता है। और ये वीडियो के क्वेश्चंस और साथ साथ जो है वो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्सरसाइज में दिए वो सब के सब आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। और डेट लाजमी तौर मेंशन कीजिएगा पूरे चैप्टर के हर पेज पर जिस डेट पे काम कर रहे हैं। अपना और पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।